हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और इसी आशा के साथ करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आज हम रात भर जागरण में थे मंजू दीदी के यहाँ। आपने कल की वीडियो में थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा। कन्नू मुझसे फिर छुट्टी लेने की बात कर रहा है। इस लड़के को मैं कैसे समझाऊँ कि पापा ज़्यादा छुट्टी नहीं लिया करते बेटे, ऑफिस वाले फिर ये कह रहे थे कि आप दूसरी जॉब देख लो जब छुट्टी लेते हो आप, है ना? छुट्टी ले लो बेटे, मैं कल की छुट्टी रखूँगा, ठीक है? पक्का पक्का प्रॉमिस। आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यहाँ से? देखो यहाँ पे संजू बुआ आ रही है, तुम्हारी लाडली बुआ आ रही है ना, फेवरेट बुआ आ रही है, आर्यन है, आरुषि है ना, अक्षित है, बहुत सारे हैं। और वेदांश और आरुषि की छुट्टी है आज यहीं पे, वे भी स्कूल नहीं गई है, घर पे ही है ना। उनके पास बहुत सारे खिलौने आए, नहीं नहीं वो भी देखने हैं क्या लेके आए हुए है ना, और उन्हें ट्यूशन में जाना। मेरे से क्या होगा जब इतने सारे बच्चे खेलने के लिए है, मखाने भी लेके आने हैं, कज्जू भी लेके आने हैं। ये अभी कुछ देर तक ऐसे ही करेगा, इसको बहुत मुश्किल समझाना हो जाता है। मंजू दीदी ना संजू दीदी का साथ छोड़ दिया है कुछ दिन के लिए, वो चले गई है अपने ससुराल, और अब बोल रही थी कि चलो अब तो एक दो दिन जब आएगी तो यहाँ पे रह के आऊँगी, फिर यहीं पे आ जाएगी। जैसे ही संजू दीदी का जाने का नंबर आएगा मंजू दीदी फिर आ जाएगी, क्योंकि अभी तो इनके बच्चों को छुट्टी पड़ रही है स्कूल की। स्कूल का छुट्टी नहीं है आज इसके बच्चों को, इनको स्कूल खुल गई है, पर ये एक आध दिन छुट्टी ले लेंगे और, क्योंकि इनके भी यहाँ रहने का मन कर रहा है। ये है मेरी सबसे बड़ी बिटिया आरुषि, यह पूरी रात जागरण में जगी है तो अपने नींद पूरी कर रही है आराम से लेट के, और वानिका को गोदी में ले रही है। और मम्मी आजकल वानिका से बात करने लगी, ये लो रो लिया। हम वानिका की जैसे बड़ाई करते हैं ये रो के दिखा देती है हमको। कन्नू रूस गया है और वो अजी मना रही है कि आप जिद मत करो, मैं आपको ब्यास लेके जाऊंगी और ब्यास से एक बहुत बड़ी ट्रेन लगवा के लाऊंगी। तो आप देखते हैं कि ये अपनी बुआ की बात मानते नहीं मानते हैं। वैसे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपनी बुआ की बात मान लेते हैं, और जो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं वो अपनी बुआ की बात बिल्कुल नहीं मानते। और वैसे भी कन्नू की जो बुआ है संजो, कन्नू का बहुत ध्यान रखती है, और बहुत खेल खिलौने और बहुत जागरण में भी साथ लेके गई थी इसको, और अपनी गोदी में रखा है। देखो ये फिर छुट्टी की बात कर रहा है, अभी दिला के लाओ ट्रेन। ये सारे काम इसके अभी के अभी, इसको सिंघम मूवी का पूरा असर आ गया इसके ऊपर। सिंघम मूवी में एक करता नहीं, वो अभी के अभी, तो इसका वो डायलॉग पक्का रहता है कि अब बुआ ने बोला तो अभी के भी चाहिए इसको। तो चलिए जी, देखो मेरा खाना रेडी कर दिया है संजू दीदी ने, और बस मैं अब खाना खा के अपने ऑफिस निकलता हूँ, और आप सबसे ये लोग मिलते रहेंगे धीरे धीरे। मैं ऑफिस जा ही रहा था आज, तो मुझे एक नई बात याद आ गई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो ये मैं आज पिंक कलर की टी शर्ट पहन रहा हूँ, ये टी शर्ट मेरी नहीं है, ये टी शर्ट मेरे भांजे की है, और मेरे थोड़ी सी ढीली आ रही है, देखो देख रहा है ये ठीक आ रही है। मैंने सोचा कि आज ये वाली पहनो उसकी टी शर्ट, तो उसने कहा मामा जी ये नहीं, आप ये वाली पहनो, इस पर बढ़िया टॉप लिखा हुआ है, पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, वो मुझे पता नहीं क्या लिख रखा। और अब हमें एक दूसरे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कपड़ों की, मैं इसके और ये मेरे कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। पर मैं इसके पहन लेता हूँ, ये मेरे पहनता ही नहीं है, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई, ये बड़ा आदमी है, हैं। चलो जी, मुझे तो चिंता मेरी तो ख़त्म हो गई, मुझे तो आधे से ज़्यादा कपड़े लेने की जरूरत नहीं है, तब भी कोई पुराना हो जा करेगा ना, तो ठीक है मैं पहन ले करूँगा। अब हम चलते हैं अपने ऑफिस फाइनली, इसी बार नहीं कहूँगा कि मैं जा रहा हूँ आपके, फाइनली जा रहा हूँ अपने ऑफिस। यहाँ पर संजू दीदी से आर्यन ले लिया वानिका को, और इसको देख रही है, और ये ना संजू दीदी इसको उंगली पकड़ के देख रही है कि उंगली पकड़ लेती है बोझी की, तो जब ये उंगली पकड़ती है ना तो बहुत खुश होते हैं, इस वजह से ये इसके हाथ के आगे ना उंगली कर लेते हैं, और ये इसको पकड़ लेती है और कहते हैं कि देखो छोड़ नहीं रही, मेरी उंगली तो अच्छे से पकड़ ली है। और अब इसको देखे जा रहे हैं, और आर्यन तो उसे बंधा हुआ बैठा है, इसकी मम्मी इसे ले रही है, दे नहीं रहा इसको ये, तो ये इस तरह से इसको खिलाते रहते हैं, और आज आर्यन को इस पर लाड़ आ रहा है। हर साल का काम है भाई, है और वाणी भी लगा करेगी ऐसे ऐसे कलर है, वाणी खर्चा करवा करेगी अपने पापा। और इधर इसके लिए लेकर आई है इसकी बहुत तकिया, और ये जो तकिया है ना इस पर लिटा रही है इसको, ये इसमें ना ये सरसों वाला तकिया है, और चारों तरफ से गोला, इसके बीच में सरसों है, पर ये ना अपनी गर्दन ना तिरछी कर लेती है बार बार, पर फिर भी इसको लिटा के देख रही है कैसे लगी है। और ये पिंक कलर का लेकर आई है आरुषि की मर्जी से, क्योंकि आरुषि जो है वो हमेशा पिंक ही पसंद करती है, तो इसके लिए भी उसने पिंक कलर का सामान लाना शुरू कर दिया है। अब ये देखो इसको उंगली दे दी, और ये कन्नू ने उंगली हटवा दी, हटा मेरी बहन के हाथ मत लगा। कन्नू थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखता है, अपनी बहन के हाथ भी नहीं लगाने देता, और सब के सब इसको देखते रहते हैं। और अब ये
इसी की इसको नजर लगेगी पक्का, इसको ज्यादा ध्यान रखते हैं तो उसकी नजर भी इसको लगी जाती है। हेलो जी, तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने चैनल ग्लोबल बॉय पाल में। आज काफी लेट आना हुआ है मेरा ऑफिस से, कारण ये रहा है कि आज मम्मी ने बोला कि घर मत आना और बुबे ने बोला कि घर मत आना जब तक डॉक्टर के ना जाओ, डॉक्टर के पास जाओ और अपनी तबियत दिखा के जब भी आना है, क्योंकि मेरी कुछ दिनों से तबियत खराब चलती थी। मेरे कुछ गले में एलर्जी सी थी जिससे गला दुख रहा था और खांसी भी हो रही थी, इसी वजह से सबको दिख रही थी। मैं भी थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था क्योंकि काम चल रहा था इधर, कुछ देता पे काम चल रहा था, कुछ मेरे ऑफिस का काम था और इस बीच में डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं आ रहा था और अपना मैं भूल जाता हूँ कभी कभी डॉक्टर के जाना कि चलो छोड़ो हो जाएगी ठीक, वैसे ही अपना अपनी मेडिकल से दवाई लेके खा लेता हूँ। पर वो तीन चार दिन से दवाई खा रहा था, आराम नहीं ले रहा था, फिर आज डॉक्टर के पास गए और ये एक्सरे करवा के आया वहाँ से और मेडिसिन ले आया। एक्सरा नॉर्मल और क्लियर था। फिलहाल मैं मुँह हाथ धो के आता हूँ और आगे खाना खा के फिर आपसे जरूर मिलता हूँ। मुझे लगता है आज वाणी को वो लग गई नज़र और इसके ना संजय बुआ की नज़र लगी है इसके, क्योंकि इसको ना सुबह से ये खिला रही है और ये बता रही है ये इसका लाड़ कर रही है, तो अब इसकी ना आरुषि नज़र झाड़ेगी। आरुषि के हाथ से नज़र बहुत अच्छी झड़ती है क्योंकि जो लड़की काली कल्लो होती है ना उससे नज़र झड़ जाती है। देखो जी, अब ये मम्मी इसको सिखा रही है नज़र झाड़ना, ये इसने लगा दी है और अभी पता लगेगा हमारी बिटिया को नज़र लगी थी या नहीं लगी थी। अगर लगी होगी ना तो घर के काम के बारे में कम ही पता है, पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ध्यान रखती है अपना। ये किसकी नज़र किसकी लगी थी? मम्मी की लगी थी हैं। चलो जी, देखते हैं अभी नज़र झड़ रही है कि नहीं झड़ रही है। सच में भाई बहुत नज़र लग रही थी इसको तो। हाँ सच नज़र लगी। हाँ जी संजय बुआ जी, तुम्हारी नज़र लग रही थी इसे? हाँ तो क्या बात हो रही है, भतीजी नहीं आया है ना, अब बुआ तो लाड़ कर रहा है। तो अब क्या कहेगी, अब सो जाएगी आराम से? ये अब आंखें खोल के देख रही है, आंखें खोल के देख रही है। अच्छा, ये सोच रही होगी ये अब तक तो आई नहीं थी, अब कहाँ से आई है, है ना, अब तक तो मैं मंजूसा मिल रही थी। मम्मी ने तो फोटो खींचे इसके, सोनी लग रही है आज हमारी लोड नहीं। अच्छा तभी लग रहा है इसको बुआ, बुआ की नज़र तभी लगी है। कभी मम्मी की नज़र लगी हो? सोनी लग रही है। माँ की जो पोती है उसकी नज़र झड़ चुकी है, तो मम्मी अब तो रोने की नहीं। मम्मी ये बताओ अब तक तुमने किस किस की नज़र झाड़ी इस पूरे परिवार में? सबसे ज्यादा किसकी झड़ी? सबसे ज्यादा बोबी की नज़र झड़ती थी, फिर उसके लड़के झड़ने लगी, अब उसकी लड़की का नंबर आ गया है ना। अच्छा संजो, इसकी नज़र कितनी बार झाड़ी है? इसकी भी नज़र लग जा। अच्छा जी, इतनी खूबसूरत लड़की को नज़र लग कैसे लग सकती है? ठीक से हुआ है यार। अच्छा नज़र झाड़ तो ठीक हो जा, तो मतलब इसकी भी लगती है। ओहो इसकी ताई की नज़र लगती है इसको? इसकी ताई की लगती है? हाँ भाई, तो अच्छा ये पड़ोसी के चले गए थे यहाँ पे, उनकी लग गई होगी सो नज़र। चलो जी, और आर्यन की नज़र कितनी बार झाड़ी है? एक ही बार सात बार नज़र झाड़ दी यार। एक बात बताओ मुझे, तुम इतने मोटे आदमी की नज़र लग जा है क्या? कह रहा जब ये छोटा सा था ना कन्नू के जैसा था है ना, तो इसके तब भी नज़र लगती थी। अच्छा इसकी देखो, ये देखो कमाल की बात, जो इसकी आर्यन की जो बोझे थे ना वो उसकी नज़र सात बार झाड़ती थी। हम तो एक ही बार झाड़ते हैं, सात बत्ती बना के और सात बार इसकी नज़र झाड़ती थी। ओ भाई कितना लाड़ प्यार होता है इसकी बुआ, ऐसे ही वानिका का लाड़ प्यार करती है इसकी वानिका की बुआ। ओए होए, इधर पिताजी के पास आया हूँ और पिताजी इधर टीवी देख रहे हैं पिछले जमाने में, कुछ अभी न्यूज़ देख रहे थे और बहुत ही दर्दनाक न्यूज़ थी। कोई साथ मुंबई जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रोली से, मैं भी देख रहा हूँ सामने और ट्रैक्टर ट्रोली साथ खाई भी गिर गई है, एक्सीडेंट हो गया है। तो वैसे भगवान की, भगवान को उनकी रक्षा करनी चाहिए थी क्योंकि भगवान की दरबार जा रहे थे, पर
ये सब जब होना होता है हो जाता है, इसमें कुछ हम और आप और कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिन्हें भी देख रहा हूँ शायद काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं निकालने के लिए। तो पिताजी आज आपकी कोटी को नजर लग गई और मुझे लग रहा है तो लड़की से कोटी की नज़र आइया लड़की से समझी हुई है झाड़ दी, उसकी बड़ी बहन ने झाड़ दी और उसी ने झाड़ दिया। तो अभी वो हंस रही है और सो रही है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं सभी के यहाँ उनको नज़र लगती रहती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की कुछ स्पेशल है कि उन्हें नज़र लगेगी, किसी के भी यहाँ सभी के यहाँ होते हैं सभी को नज़र लगती है और सभी के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, है ना। तो इसलिए ये भी एक वो होता है, एक तरह से तोड़फोड़ होता है नज़र डालने का। और ये क्या होता है कि एक मन को थोड़ी शांति मिल जाती है कि हाँ चलो हमने नज़र डाल दी और वो उतर गई और झड़ भी गई है। और मैं कभी कभी देखता हूँ कि कभी कभी जिस तरह से बम बजाते हैं कि अगर इस तरह से होता है तो मतलब लगी हुई है, और अगर इस तरह से जलती है बत्तियाँ तो नहीं लगी हुई है। तो ऐसा भी हो गया कि हम लोगों को देखते हैं कि एक बार तो बत्ती जब झड़ती है तो वाकई में नज़र होती है, और अगर नहीं होती है तो पता लग जाता है कि नज़र नहीं लगी हुई है। बस ये सब चलता आ रहा है सुबह से बचपन से, तो ये सब है। मैं भी जब जागरण हमारे था पूजा का सामान लेने के लिए गया था, वहाँ पे दो चार आदमी और आए और उन्होंने आके नज़र झाड़ने वाली बत्ती ले ली। तो नज़र झाड़ने की बत्ती भी आती है शॉप पे, हम तो घर पे बना लेते हैं। उन्होंने निकाल से पैकेट के दे दिए और फिर भी कहने लगे कि उसकी नज़र का धागा भी बना था। तो फिर पूजा जो शॉप वाले थे ये धागा भी बना लेते हैं। तो धागे में क्या कहते हैं कि पहले उसकी लंबाई के इतनी धागा माप के लाना पड़ता है, वो उसके बनता है। पिताजी की फरमाइश है कि जो झांकी की वीडियो थी क्योंकि पिताजी ने देखी थी, पिताजी को बहुत अच्छी लगी है ये, और पिताजी कह रहे हैं कि हमारे इस टीवी में भी डाल दो। तो पिताजी अभी टेक्नोलॉजी इतनी है कि इसमें डल सकती है, पर इसमें कुछ डिवाइस लगानी पड़ेगी तब चलेगी इसमें। तो इसके अच्छा है आप मेरे रूम में जाके और मेरा पीसी खोल के बच्चों से और आराम से बैठ के देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। पहले मेरा कंप्यूटर इसी रूम पे रहता था, इसी रूम में और उस टीवी पे रहता था, पर फिलहाल नहीं है। पहले ना मैं सर्दी में जब काम करने लगा था तो काफ़ी देर तक गोभी को और उधर पन्नू को इंतज़ार करना पड़ता था कि कब तक मैं काम करके अपना आऊँगा, वे लोग फिर कब सोएंगे। तो इसीलिए भी डर भी रहते थे कभी कभी रात को अकेले की गई अब तक पापा नहीं आए हैं। तो फिर मम्मी ने बोल के कि अपना कंप्यूटर ये उधर रखवा लो उसी रूम में, उस रूम में से अरेंज करके वो वहाँ से जो थी गोदरेज की अलमारी वो हटा ली थी और उसकी जगह मैंने अपनी एक टेबल रख के अपना पीसी रख लिया। तो चलिए जी, उसके बाद फिर अब मुझे इधर आना नहीं पड़ता। जब इधर पीसी रहता था तो पिताजी देखते रहते थे और वो स्पेशल पिताजी के लिए ही लगा रखा था, उसमें हमारा केबिल भी चलता था और अगर कुछ अलग देखना होता था वो भी देखते थे पिताजी। उसमें बहुत सारे खिस्से डाल रखे थे, हीरे रंजन का, रंजन सिंह का भात और ये बहुत सारी चीज़ डाल रखी थी, महाभारत, ये सब पिताजी और माँ देखते रहते थे इधर। पर अभी बच्चों के साथ में सब व्यस्त है और सब टीवी भूल गई है, सिर्फ पिताजी की याद है थोड़ा बहुत मूवी न्यूज़ और एक आध पुरानी मूवी शत्रुघ्न सिन्हा की, ठीक है पिताजी। हाँ। अभी फिलहाल मैं पिताजी को चाय देने के लिए आया था और पिताजी ने चाय पी ली है और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि मैं भी खाना पीना खा लिया है। तब मैंने आपसे बात की थी तो खाना पीना नहीं खाया था जिससे आवाज़ थोड़ी सी डाउन हो रही थी, पूरे दिन से काम की भाग दौड़ में खाना पीना मेरा ठहर गया था आज पिताजी के पास में। तो अभी अपनी वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे नमस्कार, मेरा दिन जय श्री कृष्ण। तो जी आपको हम बीच बीच में अपना जो जहाँ पे जागरण हुआ है और उस जागरण की वीडियो भी दिखाते रहेंगे धीरे धीरे बीच बीच में। उस झांकियाँ थी बहुत सुंदर झांकियाँ थी, ये हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, तो आपके पास जरूर शेयर करेंगे और झांकियों का एक वीडियो पूरी अलग से डाल देंगे आपके पास। आप लोग सभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो झांकी हुई थी वो कितनी भयानक और कितनी अच्छी हुई थी।